हेलो नमस्कार आदाब कैसे हैं आप भावना कुटफील में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड के बहुत ही रसीले स्वादिष्ट गुलाब जामुन और इसको बनाना बहुत आसान है तो इसके लिए ले लिए ब्रेड तो मैंने ये पांच छह ब्रेड के पीसेस लिए हैं तो इसका क्या करना है सबसे पहले इसके जो किनारे हैं उन किनारों को अलग कर लेना है चाहे तो आप इसे चाकू की हेल्प से किनारे इसके कट कर लीजिए चाहे इसके हाथों से ही आप इसके किनारे अलग कर दीजिए तो जो गुलाब जामुन हमें बनाने हैं वो इसके जो व्हाइट वाला जो पोस पार्ट है उसी से बनाने हैं तो मैंने एक कटोरा ले लिया है कोई भी बर्तन ले लिए जिसमें कि आप इसका आटा बनाएंगे तो बस इसका जो किनारे वाला जो डार्क पार्ट है उसे हम निकाल देंगे और इसको एक कटोरी में डालते जाएंगे तो हाथों की हेल्प से भी आप इसे निकाल सकते हो आसान तरीके से और जो इसके किनारे हैं आप उस किनारों को फेंके नहीं और आप इसके पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के आप इसके लड्डू भी यूज बना सकते हैं तो बस मैंने व्हाइट वाला पार्ट मैंने निकाल लिया है इसका और हाथों से इसे मसल लेते हैं तोड़ लेते हैं बारीक करके थोड़ा सा और इसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर फुल क्रीम दूध लिया है मैंने ये तो इसमें चम्मच के हिसाब से दूध डालेंगे एक साथ दूध नहीं डालना है तो बस थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसमें आ, बिल्कुल इसका सॉफ्ट आटा रेडी करना है जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से सॉफ्ट आटा इसका हमें लगा लेना है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट आटा इस तरह से आपको लगाना है और पांच छह मिनट के लिए इसे रेस के रख देंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए और बिल्कुल थोड़ा सा कम यूज़ इसमें दूध हुआ है और बस पाँच छः मिनट हो गए हैं तो उसे हथेली की हेल्प से हम बिल्कुल इसे चिकना कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी दरार नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल एकदम चिकना होना चाहिए और एक चुटकी मैंने इसमें नमक लिया है नमक से जो रसगुल्ले की जो मिठास होती है बहुत ही गजब की आती है तो एकदम चिकना इसका डो बनाना है अगर आपका जो डो है वो खुरदरा होगा तो गुलाब जामुन फट जाएंगे फ्राई होते ही तो बस इसके अब पीसेस कट कर लेने हैं जिस तरह के हमें बॉल बनाने हैं छोटे बड़े तो मैंने इसके बॉल बनाने का आ, आटा निकाल लिया है और कुछ लिए है मैंने ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसे काट के रेडी कर लीजिए और बॉल बनाने के बाद में इसके बीच में हमें ये ड्राई फ्रूट्स फिल करने हैं तो बस थोड़े से ही बिल्कुल चौथाई चम्मच ड्राई फ्रूट्स डालने हैं बॉल के अंदर और इस तरह से इसका चिकना बॉल बना लेना है जो बॉल है उसमें बिल्कुल भी दरारें या क्रैक्स नहीं होने चाहिए वरना फ्राई करने में ये जो दरारें हैं खुल जाएंगी और आपका जो गुलाब जामुन है जो बॉल है वो फ्राई करने में एक फट जाएगा तो इसके लिए आपको एकदम चिकना बॉल बना लेना है और आपको चाहे काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वही इसमें डाल सकते हैं अगर ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप इसके अंदर एक किशमिश भी लगा सकते हैं तो बस देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इसका चिकना बॉल बनाया है कोई भी इसमें दरार या आपको बिल्कुल भी खुरदरापन नहीं है तो सभी बॉल को बना के हम रेडी कर लेते हैं और ये जो रसगुल्ले हैं बनाना बहुत ही आसान है आपको ये रेसिपी पसंद आए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आप देख सकते हैं सारे बॉल बन के रेडी हो गए हैं अब क्या करना है अब चलना है हमें गैस की तरफ तो बॉल रेडी है बिल्कुल चिकने तो गैस की तरफ चलेंगे तो मैंने दो कटोरी चीनी ली है दो कटोरी चीनी और एक कटोरी लिया है पानी इसी कटोरी से मैंने चीनी मेजर की है तो दो कटोरी चीनी में एक कटोरी मैंने पानी मिलाया है तो इसको मैंने गैस चालू करके गैस चाशनी बने रख दिया है दूसरी गैस पे तेल गरम कर लिया है तेल बिल्कुल धीरे गर्म करना है ज्यादा तेज गरम नहीं करना है धीरे धीरे मैंने बॉल को डाल दिया है उसमें उधर दूसरी वाली गैस पर मैं चाशनी भी बना रही हूँ तो चाशनी में उबाल आ गया है उबाल आने के बाद में हमें पांच मिनट के लिए इसे उबालना है और इसमें डाल दें केसर के धागे केसर है तो डाल दीजिए साथ ही मैंने इलायची का पाउडर लिया है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है पांच मिनट के लिए हम इसे उबालेंगे पांच मिनट के बाद में गैस बंद कर देंगे उधर दूसरी गैस पे चेक कर लेते हैं इस इसपे हम जो आ, हमने बॉल डाले हैं उसे हम लगातार चलाते भी रहेंगे इधर चाशनी भी चेक करते रहेंगे तो बस पांच मिनट हो गए हैं हल्का सा चिपचिपाहटपन आ गया है चाशनी चु� के अंदर ज्यादा हमको एक तार या दो तार की कोई चाशनी नहीं बनानी है सिर्फ पांच मिनट के लिए उबाल लेना है तो बस चाशनी बन के रेडी है ढक के रख देंगे गैस बंद कर देंगे देखेंगे दूसरी वाली गैस पे बिल्कुल बढ़िया से मैंने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर गुलाब जामुन तल के रेडी कर लिए गैस बंद कर दिया है इसे हम एक छलनी में निकाल लेते हैं ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो छलनी के अंदर से निकल जाए और आप देख सकते हैं जो गुलाब जामुन है बहुत ही परफेक्ट एकदम बढ़िया कलर आया है देखते ही मुंह में पानी आ रहा है तो बस क्या करना है इसे डाल देते हैं जस्ट चाशनी के अंदर दोबारा गैस चालू करेंगे और इसको चाशनी के अंदर डुबो के हमें ऐसे पांच छह मिनट के लिए करीब सात आठ मिनट के लिए हमें ऐसे उबालना है और दस मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे बिल्कुल और आप देख सकते हैं चाशनी बिल्कुल रसगुल्ले के अंदर तक गई है बहुत ही सॉफ्ट और रसीले गुलाब जामुन बने हैं इस तरह से आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो आपको मीठा खाने का मन है तो इस रसगुल्ले को जरूर से ट्राई कीजिएगा वबाइसी कर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा